मैंने ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस पे बनाया है प्रोजेक्ट अपना। तो इस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सी दिक्कतें आई जिसको चलते मैं बहुत स्ट्रेस में हो जाती थी कि छोटी छोटी चीजें बहुत मिस्टेक में आ जाती थी। तो उस सबको क्लियर करने के लिए मुझे बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ी। सर का गाइडेंस भी बहुत अच्छा था, मैंने रिसर्च करी, मेहनत से मुकेश ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो एक टीम वर्क के थ्रू ही मैंने किया ये सब। और इस सब के चलते मुझे इतना स्ट्रेस होता था माइंड में, लेकिन सर का जैसे सैटरडे का सेशन होता है तो उन्होंने बहुत ज्यादा गाइड किया कि अपने माइंड को कैसे मतलब शांत करके और पेशेंटली, अगर एक दिन में वो चीज नहीं हो रही है तो आप दूसरे दिन उस पर वर्क करो, दूसरे दिन नहीं हो रही तो तीसरे दिन करो, अगर नहीं हो रही है तो उसको बार बार करो, रिसर्च करो, लोगों से हेल्प लो। सर का गाइडेंस भी था तो उस सब के चलते मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। अभी भी इसमें बहुत सी कमियां हैं लेकिन मैं उन पर वर्क कर रही हूँ। अभी भी मैं उतने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पूरा वर्क कर रही हूँ कि मैं उस एम तक पहुंच जाऊं जो मेरे अंदर है, मैं पहुंचना चाहती हूँ। और ये बहुत बहुत ही मेरे लिए तो ना के समान ही था जो मैंने किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सर के गाइडेंस और मेरी मेहनत रिसर्चेस के उस पर मैंने कम से कम ये चीज अचीव की कि मैं कम से कम दिखाने लायक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाई हूँ अभी। तो मैं बहुत खुश हूँ अभी ट्रेनिंग करके, और सर का गाइडेंस तो है, उन्होंने माइंड सेट के ऊपर बहुत गाइड किया है। तो थैंक यू सर। आगे मेरा यही है कि अभी तो मैं और भी सीखना चाहती हूँ। सीखना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ से ज्ञान मिले ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। सर तो ज्ञान का भंडार ही है समझ लो, वो चाहे कोडिंग दे या माइंड सेट पे दे, हर चीज में उनका कुछ है ही नहीं गया है। बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं वो एक एक चीज को लेके, और अपनी मेहनत अपने गोल अपने एम बनाए सब कुछ करें। सर अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करते हैं तो उनका ये रहता है कि हम रिसर्च करें, क्योंकि हम इतने छोटे भी नहीं रह गए कि सब कुछ बना बनाया हमें मिल जाए। तो इसलिए अपने रिसर्चर्स के लिए वो बोलते हैं कि आप लोग भी थोड़ा करो तो करना चाहिए उस चीज को, क्योंकि नहीं करेंगे और बना बनाया मिल जाएगा अभी तो ठीक है, लेकिन अभी जाके जब प्रोफेशनल लाइफ में आएगा तब कोई नहीं होगा समझाने वाला, कोई करने वाला नहीं होगा, कोई दोस्त रिश्तेदार सर लोग भी नहीं होंगे। तो वो ही चीजें जो अभी समझाई जा रही है वो आगे जाके हमें काम आएंगी। तो इसीलिए इस चीज पे अभी वर्क करना चाहिए। और सर अगर कुछ बोले तो उनकी बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा, और अपने ऊपर भरोसा रखिएगा कि हम कर सकते हैं। और अभी गाइड करने के लिए सर हैं, तो अभी आपके लोग के लिए बहुत अच्छी बात है।